जैसा कि आज हम सभी लोग सीखने वाले हैं डायोड के बारे में, मैंने आपको बताया था कि पहले हमारे पास जो पहले मैंने वीडियो में आपको समझा रखा है कि रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, क्वाइल हो गया। आज हम आपको चौथा टॉपिक जो है वो डायोड के बारे में सीखने वाले हैं कि डायोड को क्या काम करता है मोबाइल फोन में, उसको किस तरीके से चेक किया जाता है, कैसे उसकी टेस्टिंग करी जाती है, किस तरीके से डायोड काम करता है। ये डायोड खराब होते तो हमारे मोबाइल फोन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, डायोड हमारा सीरीज में लगा होता है कि पैरेलल में लगा होता है, किस फॉर्म में लगा होता है, कैसे सर्किट में काम करता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पूरा जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहली बात करेंगे डायोड की। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि वो सारा चीज़ आप सब लोग समझ चुके हो, सीख चुके हो, आपने देखा भी है। मैंने आपको बताया था कि ये अपना नंबर है 6391711711। जो भी सारी चीज़ें आप सारे स्टूडेंट सीख रहे हैं वो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करने के साथ साथ आप लोग काम करिए ना, अपनी कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए, उस नोट्स में उस चीज़ों को रिटेन में करिए, ताकि आप चीज़ों को लिखेंगे, आपके अंदर कोई क्वेश्चन आएंगे, कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे पुटअप करेंगे या व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसके आंसर देंगे, हमारी टीम है वो आपको आंसर देगी जो आपकी मदद करेगी। अब बात करेंगे डायोड के बारे में। यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को वन साइड पास करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को वन साइड पास करता है। इसका काम क्या रहता है? सप्लाई को वन साइड पास करना, मतलब करंट को वन साइड पास करना, ये इसका काम रहता है। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को वन साइड पास करता है। अब बात करेंगे रियल शेप। रियल शेप का मतलब था पहचान, तो इसको बोर्ड में हम पहचाने कैसे, जैसे हम बोर्ड में ये कैसे पहचानेंगे कि हमारा कौन सा डायोड लगा हुआ है, उसे किस तरीके से उसको पहचानेंगे। डायोड जो होता है मोबाइल फोन में इस तरीके से दो पिन का पाया जाता है। कितना पिन का पाया जाता है? दो पिन का पाया जाता है, एक साइड में पिन होती है, एक साइड में पिन होती है, दो पिन का पाया जाता है। उसके बाद ये कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। दो पिन होते हैं, एक इस तरफ पिन होते हैं, एक उस तरफ पिन होते हैं, टू पिन का डायोड पाया जाता है। टू पिन के डायोड के बाद फोर पिन का डायोड पाया जाता है, मतलब दो पिन का डायोड होता है या चार पिन का डायोड पाया जाता है, या तो आपके मोबाइल फोन में पांच पिन का भी डायोड पाया जाता है ऐसे। यह तो ये भी ब्लैक कलर का होता है। डायोड मोबाइल फोन में दो पिन का मिलेगा, चार पिन का मिलेगा, मुझे पांच पिन का मिलेगा। तो इस तरीके से तीन शेप में डायोड होते हैं। अब देखिए इधर आइए, मैं आपको मोबाइल फोन में दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड में मैं आपको पहचान कराता हूँ किस तरीके डायोड को पहचानेंगे। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये बोर्ड में देखेंगे दो पिन का लगा हुआ है, एक साइड में इधर पिन है, ये दो पिन का डायोड है। उसके बाद अगर आप ये देखेंगे, ये देखेंगे बोर्ड में छोटा सा लगा हुआ है, ये दो पिन का आपका डायोड है, ये दो पिन का डायोड है, ये टू पिन का है। इधर देखिए ये टू पिन का डायोड लगा हुआ है, ये लगा हुआ टू पिन का डायोड। देखिए तो ये सारे आपके दो पिन के लगे हुए थे, इनको हम क्या बोलते हैं? डायोड बोलते हैं। जैसे आप ये देखेंगे ये लगा हुआ, एक पिन इधर है, एक पिन इधर है। सेम रजिस्टर भी ऐसा दिखता है, लेकिन रजिस्टर दोनों तरफ से सिल्वर होता है, इसमें पिनें नहीं होती, लेकिन इसमें डायोड में सिल्वर नहीं होता, इसमें पिनें होती हैं वो सिल्वर होती हैं, इसलिए यह इसकी पहचान होती है। ज़्यादातर मोस्टली मोबाइल फ़ोन में जो डायोड पाया जाता है वो दो पिन का ही पाया जाता है, और या पांच पिन का पाया जाता है, चार पिन का डायोड जो होता है बहुत कम लगे होते हैं। अब सारी चीज़ें सब चीज़ों को आप सारे स्टूडेंट नोट करिए, और अब हम बात करेंगे डिनोटिंग लेटर। डायोड का जो डिनोटिंग लेटर होता है डी होता है या वी होता है। सिंबल डायोड का जो निशान होता है वो इस तरीके के एरो की तरह सिंबल होता है,
ये हमारा नॉर्मल डायोड का निशान होता है। उसके बाद एक डायोड आता है जिसे हम लोग बोलते हैं LED, इसमें इस तरीके का सिंबल बना होता है, ये LED का सिंबल होता है, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल डायोड सिंबल। और ये किसका सिंबल है? LED का। एक और आपका सिंबल होता है जो इस तरीके का अंदर की तरफ बना होता है, ये आपका सेंसर डायोड होता है, इसे हम लोग बोलते हैं फोटो सेंसर, फोटो सेंसर डायोड बोलते हैं। तो इस तीन तरीके के ये क्या होते हैं, सिंबल होते हैं, जो आप कहीं बोर्ड में या सर्किट में सिमेटिक में देखेंगे तो उसमें चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब उसके बाद बात करते हैं वर्ग। डायोड काम क्या करता है? डायोड जो हमारे मोबाइल फोन में लगा होता है उसका काम क्या होता है, क्या काम करता है डायोड का? सबसे पहला काम तो होता है AC को DC में बदलना। डायोड का सबसे पहला काम क्या रहता है? AC को DC में बदलना। आपका जब मोबाइल फोन में तो AC करंट होता ही नहीं, तो DC में कैसे बदल देगा? तो ये ऐसा चीज लगा होता है, वो आपके एडाप्टर में लगा होता है। किसमें लगा होता है? एडाप्टर में लगा होता है। तो ऐसा जो चीज होता है वो कहाँ पर लगा होता है? एडाप्टर में लगा होता है। एडाप्टर का मतलब जो चार्जिंग वाला एडाप्टर होता है उसके अंदर लगा होता है। वो चार्जर क्या काम करता है कि आपका 250 वोल्ट लेता है, 250 वोल्ट को 5 वोल्ट DC में आउटपुट देता है। तो जाहिर सी बात उसके अंदर डायोड लगे होंगे, जो AC करंट आता है उसको DC में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। दूसरी इस डायोड को हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर डायोड। सेमी कंडक्टर डायोड। उसके बाद एक और डायोड होता है जो होता है फिक्स वोल्टेज देता है। फिक्स वोल्टेज मतलब बराबर वोल्टेज, जैसे कहीं भी लाइन में लगा होगा अगर आगे 5 वोल्ट जाना है तो 5 वोल्ट ही जाएगा, उससे वोल्टेज कम ज्यादा नहीं होंगे, इसे बोलते हैं फिक्स वोल्टेज देना। इस डायोड का नाम होता है जीना डायोड। इस डायोड को हम लोग बोलते हैं जीना डायोड। उसके बाद आपका थर्ड नंबर का जो डायोड होता है उसे हम बोलते हैं LED। LED का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। LED का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ये LED डायोड होता है। उसके बाद चौथा होता है फोटो सेंसर। फोटो सेंसर डायोड जो होता है जो आपके रिमोट में लगा होता है या MI का जो मोबाइल फोन आते हैं आगे उसमें लगा होता है सेंसर के रूप में। हाँ ये देखिए, जैसे MI का मोबाइल फोन है इसमें आगे सेंसर के रूप में लगा होता है जो रिमोट का काम करता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो सेंसर डायोड बोलते हैं। तो इस तरीके डायोड हमारे तीन तरीके का काम करते हैं। अब जहाँ पर डायोड की जो पोजिशन होती है, जो काम करने को होती है, वहाँ पर वो काम करने लगता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर मेरा फोन है, अगर मेरे फोन में कहीं ना कहीं अगर रोशनी आ रही है, कोई चीज़ दिख रही है, उजाला हो रहा है, तो ये उजाला कहाँ से हो रहा है? डायोड से हो रहा है। अगर हमने इसे बंद कर दिया तो इसके डायोड बंद हो जाते हैं, डायोड को सप्लाई मिलनी बंद हो जाएगी, डायोड बंद हो जाएंगे तो रोशनी नहीं होगी। फिर हमने बटन दबा दिया, लाइट जल गई। तो अगर ये डायोड खराब हो जाएगा तो आपके फोन में रोशनी नहीं आएगी, लाइट नहीं आएगी, तो कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन डिपेंड करता है उसका यूज क्या है। तो सबसे पहला डायोड काम होता है AC को DC में करना, सेमी कंडक्टर डायोड। दूसरा होता है फिक्स वोल्टेज देना, जिसे बोलते हैं जीना डायोड। तीसरा होता है LED यानी लाइट इमिटिंग डायोड, जो रोशनी देने का काम करता है। फिर होता है फोटो सेंसर डायोड। अब हम बात करेंगे इसकी टेस्टिंग की, डायोड को चेक कैसे करेंगे। डायोड को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेस्टिंग। डायोड को चेक कैसे करेंगे? डायोड को चेक करने का तरीका क्या होता है? डायोड को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं। मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं। चेक करने पर वन साइड वैल्यू दे तो ओके। मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर वन साइड वैल्यू दे तो ओके। फॉल्टी मतलब खराबी। अबे खराब कैसे होगा? बीप दे
तो खराब है। इसे आप चेक करेंगे, चेक करने पर अगर बीप साउंड आती है, बीप देता है, तो ये हमारा क्या है, खराब है। वैल्यू ना दे तो खराब है। अगर आप इसे चेक करेंगे, चेक करने पर अगर वैल्यू नहीं देता तो भी खराब है। तो डायोड की टेस्टिंग होती है कि मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर वैल्यू देता है या वन साइड वैल्यू देता है तो हमारा सही है, और बीप देता है तो खराब है, वैल्यू नहीं देता तो भी खराब है। तो ये हमारे डायोड की क्या होती है, टेस्टिंग होती है, जिसे हम लोग अभी क्या करेंगे, बोर्ड में प्रैक्टिकल करेंगे। अब देखिए डायोड जो रहता है वो हमारे मोबाइल फोन में किस फॉर्म में लगा होता है, मतलब कौन सी पोजीशन में लगा होता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से सर्किट में वर्क करता है, हम इस चीज के बारे में आपको थोड़ा सा समझाने वाले हैं। जैसे सबसे पहली बात क्या होता है, ये आपका एक लाइन है, ये आपका डायोड लग गया कि यहां से करंट आया, इस पे होकर के फिर आगे चला गया। तो अगर इस पे करंट आएगा तो यहां पर मान लिया एसी करंट आएगा, तो इधर डीसी करंट आउटपुट देगा, तो क्या होगा, एसी करंट आया, इधर डीसी फॉर्म में निकल गया। तो ये हमारा सीरीज की पोजीशन में लगा हुआ है। अब अगर डायोड को अगर आप ऐसे लगा देंगे तो ये डायोड पैरेलल में हो जाएगा, तो इसमें क्या करेगा, यहाँ से करंट आएगा, अब ये 5 वोल्ट का डायोड है तो यहाँ से करंट 5 वोल्ट आएगा तो आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लिया 5 वोल्ट से आ गया 5.5 वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट ज़्यादा आ गया, तो 1 वोल्ट ज़्यादा आने पर ये डायोड क्या करेगा, जो 1 वोल्ट जिस तरह आएगा यहाँ पर, डायोड तो 5 वोल्ट का है, लेकिन अगर यहाँ पर आ गया मान लिया 6 वोल्ट, तो ये क्या करेगा, अपने अंदर 1 वोल्ट लेगा, 1 वोल्ट को क्या करेगा, माइनस कर देगा, मतलब 1 वोल्ट को नष्ट कर देगा, और आगे आपको 5 वोल्ट ही आउटपुट लगातार जाता रहेगा। तो कितना जाएगा लगातार आउटपुट, 5 वोल्ट जाएगा, 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्या नष्ट हो जाएगा, मतलब खत्म हो रहा है। इससे हो क्या रही, करंट के अंदर प्योरिटी आ रही, करंट के अंदर फिक्स वैल्यू आ रही कि करंट को बराबर ही मिल रहा है। कि जैसे ऐसा काम कब होता है, जैसे मान लिया इसके आगे आईसी हमारी लगी हुई है, आईसी को 5 वोल्ट ही चाहिए, ऐसा ज़्यादातर चार्जिंग में होता है कि आईसी को 5 वोल्ट करंट चाहिए, उससे ज़्यादा आएगी तो आईसी उड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, तो उस कंडीशन पर कंपनी ने डायोड लगा दिया। इससे डायोड से क्या रहेगा, उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, खराब नहीं होगा, क्या नहीं खराब होगा, आईसी नहीं खराब होगा, उससे पहले डायोड खराब हो जाता है। तो ज़्यादातर मोबाइल फोन में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि फोन में चार्जिंग नहीं होती है, चार्जिंग की लाइन शॉर्ट बताती है, तो उस कंडीशन पर उसका डायोड शॉर्ट हो जाता है, डायोड शॉर्ट हो जाता है, डायोड को हटा दीजिए, आपका चार्जिंग का लाइन ओके हो जाता है, फोन चलने लगता है, 1-8 वोल्ट एक्स्ट्रा भी चले जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोबारा कभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो सीधे आईसी खराब होगी जा करके। इसलिए या तो डायोड आप उसको वहीं से वहीं क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। तो इस तरीके से डायोड अपना काम करता है, डायोड सीरीज में भी लगा होता है, पैरेलल में लगा होता है, डायोड आपका एलईडी भी लगा होता है, जो क्या काम करता है, रोशनी देने काम करता है, मतलब उजाला भी देता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आज मैंने आपको डायोड के बारे में बताया हुआ है, कि जो भी सारे स्टूडेंट सब चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं। आप सीखने के साथ साथ देखिए, आप सारे लोग सीख रहे हैं ना, तो सीखने के साथ साथ मुझे भी भैया रिव्यू चाहिए। अगर हम आपको सीखने सिखाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए मदद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे भी हेल्प चाहिए। मुझे क्या हेल्प चाहिए, कि जो चीज़ आप सीख रहे हैं मुझे दिखना भी चाहिए। पता चला आप सारी चीज़ें समझ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, लेकिन आपको कुछ आ भी नहीं रहा है, तो फिर ऐसा दोनों का काम तो बेकार हो गया ना, मेरा सिखाना भी बेकार हो गया, आपका सीखना भी बेकार हो गया। तो सबसे पहली बात है, जो भी सारे स्टूडेंट जो सारी चीज़ें बातों के बारे में हम सीख रहे हैं, उन सब चीज़ों को 6391711711 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं या अपने इन्फॉर्मेशन को हमसे शेयर कर सकते हैं। देखिए सर, अब मैं आपको बात करता हूँ, इसको हम बोर्ड में प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि डायोड को किस तरीके से मल्टीमीटर से क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। देखिए, अब डायोड को टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायोड को चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को क्या करना है, मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर रखना है। कहाँ पर रखना है, बीप पॉइंट पर रखना है। आपने मल्टीमीटर को ऐसे बीप पॉइंट पर सेट कर लिया, बीप पॉइंट पर रखने के बाद आपने देखा इसमें बीप आ रही है। सभी लोग ऐसे मल्टीमीटर सुई लगा लेते हैं, जिससे हमको चेक करने के लिए आसानी रहती है। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने देखा था ये आपका डायोड लगा हुआ है, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आपका चार्जिंग के लाइन का डायोड लगा हुआ है। किसमें लगा हुआ है, चार्जिंग के लाइन का डायोड लगा हुआ है। अगर ये डायोड ख़राब हो जाएगा तो आपके मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आएगी कि चार्जिंग की लाइन शॉर्ट हो जाएगी। देखिए छोटा सा लगा हुआ, अगर आप गौर से देखेंगे, मैं आपको बोर्ड में दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आपका छोटा सा डायोड लगा हुआ, ये भी फ़ोन करना, ये छोटे छोटे लगे हुए, ये सारे आपके डायोड ही हैं, ये भी लगा, ये भी डायोड है। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को मैंने आपको बताया बी पॉइंट पर रखा,
बी पॉइंट पर रखने के बाद हम क्या करेंगे, डायोड को चेक करेंगे ऐसे। ये चेक करने पर वैल्यू नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको मल्टीमीटर की प्रोब को पलट दीजिए, फिर आपने चेक किया, ये देखिए अब ये वैल्यू दे रहा है। तो मतलब इसे बोलते हैं वन साइड वैल्यू, मतलब एक तरफ से वैल्यू आएगी, एक तरफ से वैल्यू नहीं आएगी। तो ये डायोड को हमारा चेक करने का क्या रहता है, तरीका रहता है कि वन साइड वैल्यू देगा, एक साइड से वैल्यू देगा, एक साइड से वैल्यू नहीं देगा। वो हमारी तो यहाँ पर टच हो जाती है, इसलिए बीप दे रहा था। इस डायोड में ऐसा होता है जब आप चेक करेंगे ऐसे, तो इसका एक हिस्सा पॉजिटिव है और दूसरा हिस्सा क्या है, नेगेटिव है। मतलब ये डायोड आपका पैलर में लगा हुआ है, हाँ ग्राउंड से चेक करने पर। एक अब इसका करंट यहाँ पर आएगा, उसके बाद आगे चला जाएगा। अब अगर मान लिया यहाँ पर 5 वोल्ट करंट आ रहा है, डायोड पर जाएगा फिर आगे चला जाएगा, लेकिन जो 1 वोल्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उसको क्या कर देगा, ग्राउंड कर देगा, जिससे हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट रहेगा। ये आपने लगा हुआ डायोड, इसको आपने चेक किया, ये देखिए वैल्यू दे रहा तो सही है, अगर वैल्यू नहीं देता तो खराब है। इस तरीके से हम लोग डायोड को चेक करते हैं। अब देखिए ये डिस्प्ले लगी होती है, डिस्प्ले के अंदर छोटे छोटे अंदर बल्ब लगे होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं LED, उसे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। जैसे मैंने डिस्प्ले खोली, ये बल्ब ख़राब हो जाते हैं तो आपके साइड में डिस्प्ले की लाइट की समस्या आती है कि आपके मोबाइल फ़ोन में डिस्प्ले में रोशनी नहीं जलती। देखिए मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर मैंने सेट किया, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हम चेक करेंगे, नहीं दिखा रहा है, वैल्यू भी नहीं दे रहा है। हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे प्रोब को, ये देखिए ये आपका देखा अगर गौर से देखेंगे, देखिए बल्ब जल रहा है, ये देखिए ये आपका हल्का सा लाइट बंद करिए, देखिए ये देखिए जल रहा है, मतलब आपका डायोड जल रहा है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, जो भी सारी LED हो या जो भी डायोड हो, उन सारे डायोड को हम लोग क्या काम करते हैं, वन बाई वन करके चेक करते हैं। तो ये सर अपना पूरा सिखाने का तरीका, जैसा आज आपने देखा आपकी वीडियो में, सारी चीज़ें देखी समझी एक एक करके, वो मैंने आपको पूरा बताया हुआ है कि आज हम लोगों ने, सभी लोगों ने डायोड के टॉपिक के बारे में सीखा। और इसी तरीके से एक एक करके जो भी सारी क्लास होती है, वो सारे स्टूडेंट को क्लास कराई जाती है। अब यहाँ पर जो भी सारे स्टूडेंट होते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे ये सुबह मॉर्निंग का बैच चल रहा है, इस मॉर्निंग के बैच में क्या है, ये सारे स्टूडेंट हैं जो अपना क्लास कर चुके हैं, वो एक एक करके अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब अलग अलग करके जो भी मोबाइल फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाता है, वो सारा चीज़ एक एक करके सीखते हैं। तो दूसरी बात है कि आज कल से होली है, जो भी सारे स्टूडेंट हैं उन सारे स्टूडेंट को काफ़ी स्टूडेंट छुट्टी हो जाएगी, वो अपना घर जाएंगे, जो बाहर के रहने वाले बच्चे हैं वो भी अपना घर जाएंगे। तो और जो भी मेरे YouTube के जो सारे सब्सक्राइबर हैं या जो लोग ऐसे पर्सन हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, सभी लोगों के लिए हैप्पी होली। आप अपने फैमिली के साथ में होली को मनाइए, अच्छे से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से काम करिए। जो भी सारा काम सीख रहे हैं, इस सारे काम को एक प्रायोरिटी पे लेकर काम करिए। सबसे पहली बात क्या होता है कि स्मार्ट टेक्नीशियन वही होता है कि जिसके पास सारे टूल, सारे इक्विपमेंट, सारा सामान, सब चीज़ें होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि आजकल भैया मशीनों का युग है, कि जब तक आपके पास सारी चीज़ें, सारे मशीन, सारे टूल्स नहीं होते तो आपको काम करने में कहीं ना कहीं परेशानी आती है। जाहिर सी बात होती है, मशीनों को खरीदने के लिए, टूल खरीदने के लिए हमको उसका पैसा भी लगता है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते। तो हम लोग क्या काम करते हैं, अगर ना पैसा हो तो बेसिकली जैसे छोटा सा मल्टीमीटर है, आयरन है, चिमटी है, जम्पर है, ये छोटा मोटा सामान है, सेपरेटर है, हॉटगन मशीन है, ये बेसिकली तो खरीद ही सकते हैं। मुझे लगता है ये ज़्यादा सामान महंगा भी नहीं आता, 3-4-5 हज़ार रुपये में सारा टूल्स मिल जाता है। इस सारे टूल के साथ में आप बेहतर काम करना अपना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपकी जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रोथ होती रहती है तो आप नया नया टूल परचेज करते हैं, क्योंकि टूल्स ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। मैं कहता हूँ मुझे काम तो बहुत आता है लेकिन मेरे पास औजार नहीं, मेरे पास सामान नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि बिना सामान के मैं चीज़ को टेस्ट कर पाऊँगा या रिपेयर कर पाऊँगा। मल्टीमीटर आता है, मल्टीमीटर 120 का मल्टीमीटर आता है, 120 तो छोड़ो, मार्केट में मल्टीमीटर 1500-1500 2000 तक के मल्टीमीटर आते हैं, लेकिन बस वही होती है कि उनकी क्वालिटी बेटर होती है, वो किसी चीज़ को प्रॉपर अच्छे से चेक करके बता सकते हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर फीचर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सारे स्टूडेंट के लिए हैप्पी होली, ओके, थैंक यू सर।